वहीं खबर यह भी है कि महाराष्ट्र विधानसभा में एनसीपी के अजित पवार को आज नेता विपक्ष चुना जा सकता है। एक दिन पहले महाराष्ट्र के मौजूदा सियासी हालात और विपक्ष के नेता के मुद्दे पर पार्टी की एक अहम बैठक भी हुई। विधानसभा में शिंदे सरकार के फैसलों को चुनौती देने के लिए महाविकास अघाड़ी ने भी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। इसके लिए महाराष्ट्र की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी एनसीपी ने बैठक भी की। ये बैठक करीब दो घंटे तक चली, जिसमें नेता प्रतिपक्ष के मुद्दे पर चर्चा हुई। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस बैठक में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के नामों पर चर्चा की गई और ऐसी खबर है कि विपक्ष की तरफ से आज अजीत पवार को ये जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। हालांकि फिलहाल एनसीपी नेता प्रतिपक्ष के नाम पर खुलकर बोलने से बचती नजर आ रही है। विपक्ष के का नेता कौन होगा, सारे नामों के ऊपर जो है विचार विमर्श हुआ है और हम एक मत से एक दिल से जो है कौन नेता बनेगा इसके ऊपर हम निर्णय करेंगे। लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि आज अजीत पवार को बतौर नेता विपक्ष कमान सौंप दी जाएगी। महाराष्ट्र विधानसभा के अंदर जो सियासी दांवपेच चल रहा है, इससे निपटना नेता प्रतिपक्ष के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि कल नए स्पीकर ने एकनाथ शिंदे को शिवसेना विधायक दल के नेता के तौर पर मान्यता दे दी है। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम। बाबा ने भेजा है। कम हियर। क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहां तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP News, आपको रखे आगे।